मेरा नाम यश है, मैं 17 साल का हूँ और मेरा ये इंसिडेंट एकदम रियल है। मेरे घर में टोटल 9 मेंबर है। बात 2017 की है, तब हम बहुत खुशी से मिलके हंसते खेलते रहते थे, पर हमारा घर थोड़ा पुराना और छोटा था। ताऊजी ने सोचा कि इस घर को अब नया बनवा लेते हैं। मेरे सब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और तो और छत गिरने का डर भी है। ताऊजी ने इस बात को लेकर मेरे दादा से बात की तो ठीक मेरे दादाजी ने उनकी बात मानते हुए कहा कि ये घर अब और नहीं चल सकता। तुम तो इस घर में बड़े हो गए पर आगे पोता पोती नहीं हो पाएंगे, पर खैर हमें इसको तोड़कर दोबारा से बनवाना होगा। दोस्तों, इसके कुछ ही महीनों के बाद हमारा घर बनने के लिए पुराना घर टूट रहा था। न जाने क्यों पूरे परिवार को इतनी खुशी थी कि जैसे मानो एक ही दिन में टूटकर नया घर बन जाएगा। पिताजी और ताऊजी ने मिलकर रेंट के लिए एक घर देखा। हमें जब तक हमारा नया घर नहीं बनेगा तब तक वहीं पर रहना था। हम कुछ ही 2-4 दिन बाद उस घर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, वहां शिफ्ट होने के बाद हम तकरीबन 1 या 2 महीने तक बहुत खुश थे, लेकिन हम में से किसी को नहीं पता था कि वो घर हमारे लिए मनहूस है, क्योंकि जब उस घर में हादसे होने लगे तब उस बीच हम बहुत परेशान रहने लगे थे। हमें तो ये समझने का टाइम भी नहीं मिला कि ये घर में ही दोष है, और दूसरी ओर जो हमारा पुराना घर तोड़ रहा था वो आदमी काम छोड़कर भाग गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने खुद अपना मकान तोड़ा है ताकि नए घर की नींव डल सके। और तो और जब हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था उस वक्त भी 2 बार ठेकेदार पैसे लेकर भाग गए। फिर जब हमने पत्थर का काम करवाया तो वो भी हमारे पैसे लेकर भाग गया। इन सब चीज़ों से हटके दोस्तों, जो हमारे पूरे परिवार ने वहाँ महसूस किया वो चीज़ें मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। ऐसे ही एक बार की बात है, मेरी दादी करवट लेके सो रही थी कि तभी अचानक उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनका किसी ने कंधा पकड़कर उन्हें सीधा कर दिया हो। दादी जब एकदम से उठी तो पाया कि रूम में तो कोई भी नहीं था और उस टाइम दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे। ऐसे ही एक बार मेरी बड़ी बहन रात के समय वॉशरूम में गई थी। दोस्तों, उस घर का टॉयलेट बाहर गेट की तरफ था। वो ठीक जैसे ही बाहर गेट तक पहुंची तो उसने देखा कि अंधेरे में एक परछाई जो कि किसी औरत की तरह लग रही थी वो ठीक टॉयलेट के सामने बैठी हुई थी। बहन एकदम घबरा गई, सोचने लगी कि मैंने अभी ये क्या देखा, रात का समय है, सबके सब सो रहे हैं। वो डर के मारे वापस भाग कर आई और चुपचाप अपने कमरे में सो गई। उन दिनों उसकी तबीयत भी कुछ कुछ खराब रहने लगी थी, उसको एक बार तो पी लिया हो गया था। बाकी जो मेरे ताऊ हैं उन्हें तो दोस्तों यहाँ जैसे सब पता था कि ये हो क्या रहा है। एक बार मेरे ताऊजी को रात को बाहर की तरफ से तेज़ आवाज़ आई जो कि मेरे दादा की थी। वो ताऊजी को उनका नाम लेकर बाहर बुला रहे थे। ताऊजी की नींद उस आवाज़ से टूटी और वो बिना सोचे बेड से उठने लगे, लेकिन तभी ताई ने उनका हाथ पकड़ा और बोला, क्या हुआ आपको, कहाँ जा रहे हो? ताऊजी ने कहा कि पिताजी बुला रहे हैं। दोस्तों, ताई जी समझ चुकी थी। उन्होंने ताऊ को समझाते हुए कहा कि कोई नहीं बुला रहा आपको, चुपचाप सो जाओ। सुबह उठकर ताई ने ताऊ से कहा कि ऐसे मत उठा करो, आपको नहीं मालूम पिताजी नाइट ड्यूटी पर जाते हैं और आप बिना सोचे समझे बाहर जा रहे थे। दोस्तों, ये सब कश्मकश चल ही रही थी। इन सब के बीच में मेरे ताऊजी का उस घर में 2 बार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बार तो उनका कंधा टूट गया और दूसरी तरफ उनकी दुकान जिसमें वो बिजली का काम करते थे वो भी ठीक नहीं चल रही थी। दोस्तों, ये तो थी घर परिवार की बातें, लेकिन अब इस कहानी को मैं अपने ऊपर लाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। एक रात मुझे भी वॉशरूम जाना था तो मैं बाहर टॉयलेट नहीं जाता था क्योंकि वहाँ मुझे डर लगता था। मैं अक्सर घर के अंदर जो वॉशरूम था मैं वहीं पर जाता था। मैं ठीक वॉशरूम करने के बाद हाथ धोकर बेड की तरफ जाने लगा। उसी वक्त अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने नल को खुला छोड़ दिया हो। मैं चलते चलते रुका और थोड़ा सोचने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे एक 6 फुट की काली परछाई दिखाई दी। और तो ठीक उसी के पीछे मुझे एक बहुत बड़ा होल दिखाई दिया। वो परछाई सीधा उस होल के अंदर चली गई। मैं इतना डर गया कि भागकर चुपचाप अपनी दादी से चिपक कर सो गया। और यकीन मानिएगा, इस हादसे के बाद मानो वो चीज़ मेरे पीछे पड़ गई। वो ठीक मुझे मेरे सपनों में दिखती है। वो मुझे सपने में ऐसा दिखाती है कि मैं जैसे ही अपने नए घर में जाऊंगा तो वो मुझे छत से फेंक देगी।
या फिर मुझे मार देगी। उन दिनों मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। ऐसे ही दोस्तों, एक दिन हमारे उस घर में रक्षाबंधन था। मेरी दोनों बुआ और उनके बच्चे आए थे। तब बैठे बैठे सबने बाहर से फास्ट फूड मंगाने की सोची। मेरी बुआ का लड़का बाहर जाकर बहुत सारा सामान लेकर आया, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, चौमिन रोल्स और भी बहुत कुछ। और आपको बता दूं कि ये सारा सामान एक अच्छी दुकान से आया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसको खाने के अगले दिन हम सब बीमार पड़ गए। बुआ अगले दिन ही अपने बीमार बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। लेकिन इन सब के अलावा भी हमारे साथ और भी हादसे होते गए। धीरे धीरे हम सबको पता चल गया था यहाँ कुछ तो गलत है। दोस्तों, ये सब कुछ झेलने के बाद हमारा नया घर बस बनने ही वाला था कि तभी मेरी दादी को वो घर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दादी को जल्दी से उस घर में शिफ्ट कर दिया गया। मैं भी ठीक दादी के साथ उस घर में चला गया। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उस नए घर में मुझे 3 महीने तक वही गंदे गंदे सपने आते रहे। पर लेकिन उस घर से शिफ्ट करने से पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दूं कि हमारे पास एक पोमेलियन डॉग है जिसका नाम कफी था। कफी जब से उस घर में गई तब से बहुत अजीब रहती थी, ना ही ज़्यादा कुछ खाती और चुपचाप एक ही जगह बैठी रहती। दोस्तों, सच कहूँ, हम जिस दिन शिफ्ट होने वाले थे उस दिन कफी की मौत हो गई। इस चीज़ के बाद हम सबका दिल टूट गया। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो इस तरीके से छोड़कर जाएगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। खैर, आज हम अपने नए घर में हैं। वहाँ हमने अच्छे से हवन और पूजा सब करवाया। यकीन कीजिएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। बाद में पता करने पर मालूम चला कि उस किराए के मकान में एक बूढ़ी औरत की मौत हुई थी, और ठीक जिस जगह पर उसकी लाश रखी थी उसी जगह पर कफी की अचानक मौत हुई थी। कहीं ना कहीं दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि जैसे कफी की वजह से हमारी जान बची है, शायद वो हमें बचाने के चक्कर में खुद चली गई। खैर, अब सब कुछ ठीक है। दोस्तों, मेरी ये कहानी एकदम सच्ची और एक्सपीरियंस्ड है, जिसको आज भी याद करके मेरा दिल टूट जाता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी यश की कहानी। वाकई कहानी बहुत ही लाजवाब थी। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम शिल्पा है, मैं विजयपुरा कर्नाटका से हूँ। मैंने सर के चैनल के लिए 3-4 कहानियाँ पहले भी भेजी हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। ये कहानी 1987 की है। मेरे माता पिता को शादी किए 1 साल हुआ था। मेरी माँ तब पेट से भी थी। पिताजी ने माँ से कहा कि क्यों ना हम मोदी बिहल चले, वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मेरी दीदी भी होगी। माँ ने सोचा कि अकेले रहने से अच्छा है क्यों ना वहीं जाकर रहे। वहाँ पर घर छोटा ज़रूर था, लेकिन खेत बहुत बड़ा था। माँ को छोड़कर पिताजी वापस नौकरी करने के लिए विजयपुर आ गए। वहाँ माँ और पिताजी की बड़ी बहन और उनका छोटा सा परिवार था। माँ के लिए बस एक ही मुश्किल थी कि वॉशरूम बाहर बना हुआ था। वहाँ जाने के लिए खेत के बीच से होकर जाना पड़ता था। माँ को रोज़ रात को सोने से पहले वॉशरूम जाकर आने की आदत थी, और माँ साथ में किसी को लेकर भी जाती थी। लेकिन उस रात पता नहीं माँ को बहुत थकान महसूस हुई और वो जल्दी ही सो गई। उस रात जब माँ की आँखें खुली तो उनको वॉशरूम जाना था। टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। सब के सब सो चुके थे। माँ ने सोचा कि किसी को जगाकर नींद क्या ख़राब करनी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही उठकर अकेली वॉशरूम जाए। वो ठीक जब खेत के बीच में चल रही थी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। माँ ने सोचा कि शायद उनका वहम होगा। खैर, वो जैसे तैसे वॉशरूम तक पहुँचे और जब दरवाज़ा खोला तो माँ एक चीख के साथ बेहोश होकर गिर गई। लेकिन दोस्तों, ताज्जुब की बात तो यह है कि जब माँ ने चीखा तो वो आवाज़ किसी को नहीं सुनाई थी। सुबह के 4:30 बजे जब पिताजी की बड़ी बहन ने उठकर देखा कि मेरी माँ उनके बगल में नहीं है, तो उन्होंने बाहर जाकर चेक किया। माँ को बेहोश पाकर वो सबको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बुलाने लगी। सब के सब उठकर तुरंत बाहर आ गए और देखा कि माँ की साड़ी खून से भीगी हुई थी। माँ को उठाकर घर के अंदर ले जाया गया और उन पर पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाया गया। दोस्तों,
जब सबने पूछा कि क्या हुआ था, तब माँ ने बताया कि वॉशरूम में एक जली हुई औरत मुझसे कह रही थी कि वो मेरे बच्चे को छीन कर ले जाएगी। वो ठीक मेरा गला दबाने के लिए मेरी ओर आई। उसके बाद नहीं मालूम मुझे मेरे साथ क्या हुआ। उस वक्त माँ के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। माँ तो खून देखकर डर भी गई। उन्होंने जल्दी डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। दोस्तों, बुरी खबर थी। वहाँ जाकर पता चला कि बच्चा नहीं रहा, उनका मिसकैरेज हो गया था। माँ बहुत दर्द में थी। पिताजी को तुरंत ही कॉल करके बुलाया गया। मेरे पिताजी का दिल टूट गया बच्चे के बारे में सुनकर। पिताजी ने उस औरत के बारे में पता लगवाया तो पता चला कि वहाँ पर बहुत साल पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था और वो औरत छोटे बच्चों की बलि देती थी अपने काले जादू के लिए। दूसरी तरफ माँ इस इंसिडेंट से बहुत डरी हुई थी। दोस्तों, इस घटना के एक साल बाद एक कहानी और घटी। मगर अगर आप इस कहानी को सच समझते हैं तभी मैं दूसरी कहानी भेजूंगी। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी शिल्पा की एक इमोशनल कहानी। लेकिन इस कहानी में आपने जो भी सुना वो बेहद डरावना था। नहीं मालूम ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, पर आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूँ आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम इमरान खान है। मैं MP के ग्वालियर शहर से हूँ। आज मैं आपको 3 छोटे छोटे किस्से बताने जा रहा हूँ, जिसमें से 2 ग्वालियर के तारागंज के हैं और एक बाकी बचा एक वो जोरा आलापुर का किस्सा है। दोस्तों, ये 3 किस्से मेरे साथ तो नहीं घटे, पर जिनके साथ ये किस्से घटे हैं उन्होंने मुझे बताया है। मुझे लगा क्यों ना सर की आवाज़ में ये किस्सों को सबके साथ शेयर किया जाए। पर खैर, ये पहला किस्सा है जो कि जोरा आलापुर का है, और ये किस्सा ठीक मेरे भांजे के साथ घटा था जिसका नाम मौसिम है। मौसिम ने मुझे बताया कि वो हर रोज़ की तरह सुबह अपने काम पर जा रहा था। वो काम करने के लिए अपने घर से कुछ दूर जाया करता था, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर। वो अक्सर हर रोज़ अपने छोटे भाई जिसका नाम मुवीन है उसको अपने साथ अपनी साइकिल पर ले जाया करता था। पर उस दिन उसका छोटा भाई मुवीन सुबह ही अपने दोस्तों के साथ बाहर नहाने के लिए निकल गया। मौसिम ने बताया था कि उनके गाँव में एक बहुत बड़ी नहर है जिसे वो पगारा भी कहते हैं। तो ठीक मुवीन के वहाँ चले जाने से मौसिम को आज अकेले ही काम पर जाना पड़ा। मौसिम के घर से वो रास्ता 10 मिनट का है। वो रास्ता थोड़ा कच्चा भी है, धूल मिट्टी से भरा, और ठीक उस रास्ते को पार करने के बाद हाईवे की पक्की सड़क आती है, और ठीक सड़क और कच्चे रास्ते के किनारे पर एक गंदा नाला भी है जहाँ लोग कूड़ा कचरा डालते हैं। मौसिम जब ठीक उस नाले के पास पहुँचा तो अचानक एक जोर का हवा का झोंका आया और मौसिम की साइकिल को पूरी तरह से हिला दिया। उस वक्त मौसिम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधा अपने काम की ओर निकल गया। लेकिन जब मौसिम रात को करीब 9 के वक्त काम पर से अपने घर की ओर आ रहा था तो उसने देखा कि बाजार में आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं। वैसे तो अक्सर मौसिम 5 या 6 तक अपने घर पर आ जाया करता था, लेकिन आज उसको आने में देर हो गई और ऊपर से उसका छोटा भाई मुवीन वो भी उसके साथ नहीं था। मौसिम साइकिल चलाता हुआ ठीक उसी कच्चे रास्ते पर आया। उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है और सन्नाटा पसरा है। एक बार को तो वो हाईवे से खड़ा खड़ा उस रास्ते की ओर ही देखता रहा। उसके मन में डर पहले से ही समा चुका था क्योंकि वो आज तक इस टाइम पर घर नहीं गया था, और वैसे भी दोस्तों गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं। मौसिम की उम्र 15 या 16 साल की होगी। कहीं ना कहीं वो थोड़ा हिम्मत वाला था, लेकिन आज उसके दिल में कुछ डर बैठ गया था। मैंने मौसिम को देखा है, वो लड़ाई झगड़ों में किसी से नहीं डरता, पर जब अंधेरे या किसी डरावनी जगह आती है तो उसे बहुत डर लगता है। मौसिम उस गंदे नाले के पास से निकल ही रहा था। उस वक्त वो साइकिल को हाथ से पकड़कर चला रहा था। अचानक एक हवा के झोंके ने उसकी साइकिल को हवा में उठाकर थोड़ी दूर फेंक दी। मौसिम एकदम से घबरा गया। ऐसा लगा मानो कि जैसे उसके हाथ से किसी ने साइकिल छीन ली हो। मौसिम ने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां पर उसको कोई भी नजर नहीं आया। उसका दिल इतना घबरा गया कि वो सब कुछ छोड़कर वहां से इतनी तेजी से भागा
जैसे कि वो आखिरी बार भाग रहा हो। भागते भागते जब एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक काला साया मौसीम के पीछे पीछे आ रहा था। मौसीम जोर जोर से चिल्लाने लगा और जैसे ही वो अपनी गली के मोड़ पर रुका तो उस काले साये ने दूर से ही मौसीम को देखकर कहा कि आज तू बच गया, अगर हाथ आ जाता तो आज मैं तुझे मजा चखा देता। मौसीम चुपचाप अपने घर पहुंच गया। मौसीम ने यह बात अपनी माँ को बताई। मौसीम मेरी ही बहन का लड़का है। हालांकि इसके बाद मौसीम 2-3 दिन तक बुखार से पस्त रहा और जैसे ही वो ठीक हुआ तो वो ग्वालियर हमारे पास आ गया। उन दिनों की बात से मौसीम आज हमारे साथ ही रहता है और अब तो उसकी शादी भी हो गई है। उसकी 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी हैं और अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मौसीम अपने गांव जाता है तो दिन में ही अपना काम निपटा के वापस ग्वालियर की बस पकड़ लेता है। तो दोस्तों ये तो थी मौसीम यानी मेरे भांजे की कहानी, लेकिन अब मैं आपको दूसरे किस्से की ओर ले चलता हूँ। दूसरा किस्सा ग्वालियर के तारागंज का है जो मुझे मेरे भाई यानी चाचा के लड़के ने बताया था। उसका नाम सद्दो उर्फ आसिफ है। ये किस्सा उसके साथ उसके पिताजी और हमारा भांजा जिसका नाम मौसीम है इन तीनों के साथ हुआ था। आसिफ बताता है कि बात उसके मामू की शादी की है। उस रात वो भी उनके घर पर शादी में गया हुआ था और वो लोग ठीक वहीं पर रुकने वाले भी थे, लेकिन आसिफ जल्दी ही वहाँ से अपने घर लौट आया। मतलब आसिफ के बड़े पिताजी का लड़का जिसने आसिफ की ये घटना सुनाई थी। पर आसिफ का कहना है कि उस रात पिताजी की किसी से कुछ छोटी मोटी कहा सुनी हो गई थी। पिताजी मुझे और मौसीम को लेकर आधी रात को ही अपने घर के लिए चल दिए। बाकी दोस्तों आपको एक बात बता दूं, आसिफ के पिताजी का स्वभाव ज़रा गुस्से वाला है। उन्हें किसी भी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पर खैर वो तीनों आधी रात को बाइक से घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में 3 पुल पड़ते हैं। हालांकि रास्ता इतना लंबा नहीं है, पर जिस नाले पर वो पुल पड़ते हैं वो इस तरीके से घूमकर गया है कि हर अलग अलग मोड़ पर अलग अलग पुल पड़ते हैं। उस पुल को हम डोली बुआ का पुल भी कहते हैं। बाइक पुल से आगे निकलते ही अचानक बंद पड़ गई। उस वक्त बाइक आसिफ ही चला रहा था। आसिफ ने गाड़ी चालू करने की बहुत कोशिश की पर वो चालू नहीं हो रही थी। जब उसने पेट्रोल की टैंकी चेक की तो पता चला कि उसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। इसके बाद वो सारे उतरकर गाड़ी को धकेलते हुए आगे ले जाने लगे। मौसीम ने कहा कि मामू गाड़ी मुझे दे दो, मैं लेके चलता हूँ। वो ठीक दूसरे पुल के पास ही पहुंचे थे जो तारागंज का पुल है। उस वक्त उन्होंने देखा कि एक सांड सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी ऊंचाई और लंबाई कुछ ज़्यादा ही थी, वो नॉर्मल सांड जैसा नहीं था। पर उस वक्त उन लोगों ने उसे अनदेखा कर आगे की ओर निकल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सांड उनकी तरफ तेजी से आने लगा। आसिफ ने बताया कि जब हमने उसके अपनी तरफ आते देखा तो हम तीनों डर के मारे इधर उधर हो गए। हमें लगा कि कहीं ये हमें कोई चोट या नुकसान ना पहुंचा दे। न जाने अचानक उस सांड को क्या हो गया था। मैंने देखा कि वो सांड मेरे चाचा यानी आसिफ के पिताजी के पीछे पड़ गया। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहीं पास में लगे बिजली के 2 खंभे पर गोल गोल चक्कर लगाने पड़े। थोड़ी देर बाद वो सांड आसिफ के पीछे पड़ गया और ठीक जब आसिफ उससे बचकर कहीं एक साइड में हुआ तो उस सांड की नज़र इनसे थोड़ी दूरी पर मौसीम की तरफ पड़ी। मौसीम ने जब देखा कि वो उसी की तरफ आ रहा है तो उसने बंद पड़ी गाड़ी को धकेला और वो जल्दबाजी में गाड़ी समेत वहीं पर गिर गया। वो सांड मौसीम के पास आकर अपने नुकीले और चमकदार सींग दिखा रहा था। वो अपना सर जोरों से हिलाने लगा मानो वो कह रहा हो कि अब तू नहीं बचेगा। ये सब देखने के बाद आसिफ के पिताजी उस सांड को वहां से भगाने के लिए गए। सांड उन दोनों को देखकर जोर जोर से फुंकार मारने लगा। उसी वक्त मौसीम जहां पर गिरा था वहीं पास में एक पत्थर पड़ा था। मौसीम ने उस पत्थर को उठाकर सांड की तरफ फेंका। वो पत्थर ठीक उस सांड के सर पर लगा। पत्थर के लगते ही वो सांड वहां से उन तीनों को छोड़कर उल्टी तरफ जाने लगा। इसके बाद मौसीम ने चुपचाप गाड़ी उठाई और सब के सब धीरे धीरे चलने लगे। चलते वक्त उन्होंने देखा कि वो सांड थोड़ी दूर जाकर रुका है और उन तीनों को देखकर अपना सर जोर जोर से हिला रहा है मानो वो कह रहा हो कि आज तो तुम बच गए मगर दोबारा नहीं बचोगे। धीरे धीरे चलता हुआ वो सांड अंधेरे में कहीं समा गया। दोस्तों नहीं मालूम
आखिर यह क्या चीज थी जो कि सांड की सूरत में थी। आप जो भी मानो, पर मुझे तो ये छलावा ही लगता है जिसके किस्से कहानियां हम बचपन से सुने आ रहे हैं। इस बात को आज 13 या 14 साल हो चुके हैं, पर अब उस सांड के बारे में कोई खबर सुनने को नहीं मिलती। दोस्तों, ये थी मेरी ये कहानी। आप कुछ भी समझो, पर यह सच है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी इमरान खान की कहानियां। इनकी कहानियां वाकई मजेदार थी। आइए, मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम वरुण है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, और आज मैं आप सभी को अपने साथ बीती एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। बात गर्मियों के दिनों की है। मैं और मेरा भाई अपने नाना जी के यहां जा रहे थे। हम दोनों बाइक पर थे। हम ठीक शाम के 6:30 बजे तक वहां पर पहुंच गए, और मैंने अपने आने की खबर पहले ही दे चुका था। मेरा भतीजा हमसे पहले ही वहां पर हमारा इंतजार कर रहा था। हम अच्छे से अपने नाना जी के घर पहुंच गए। हम सब लोग खाना खाकर बैठे ही थे कि अचानक मेरे मामा जी के लड़के, जो कि वहीं पर रहते थे, उनको फोन आया कि उनकी बिल्ली मर गई है। उस टाइम वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रात के 9 बज रहे थे। हम सब खाना खाकर लेटे ही थे कि थोड़ी देर बाद जब वो आए और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। हम सब के सब उनको ही देख रहे थे। मामा जी के लड़के उस वक्त किसी से बात करना नहीं चाहते थे। सबका मूड खराब हो चुका था। रात वैसे ही थी और गर्मी अलग से लग रही थी। हम सब बाहर सो रहे थे। मैं ठीक सबसे कोने में सो रहा था। मेरा मुंह कमरे की ओर था। यही कोई 12:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा कि कमरे के अंदर एक औरत रो रही है, न जाने क्यों, पर मैं उस ओर देखते ही चला गया। थोड़ी ही टाइम में उस औरत ने मेरी तरफ देखा। यकीन मानिए, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं अपने भतीजे को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं एकदम सुन्न हो गया। जैसे तैसे मैंने वो रात काटी। अगले दिन होते ही ये बात मैंने सबको बताई। सबने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, उल्टा मेरा मजाक बना दिया। दोस्तों, आपको सच बताता हूं, ऐसा मेरे साथ दूसरे दिन भी हुआ। मैंने देखा कि इस बार वो दरवाजे के सामने बैठी थी। मैंने जैसे तैसे उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कहा कि कब तक बचोगे। दोस्तों, सच कहता हूं, मेरे अलावा किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैंने अगले दिन ये बात उनसे दोबारा बोली, लेकिन फिर से सबके सब हंसने लगे। दोस्तों, किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। नहीं मालूम कि आपको भी विश्वास आएगा कि नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता हूं। बस यही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी वरुण की कहानी। इन्होंने जो हमें कहानी भेजी है, इस तरह की कई कहानियां मैं सुना चुका हूं, पर खैर, ले चलता हूं आपको हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। मेरा नाम गॉडसे है, और ये कहानी मेरी माँ के साथ घटी है। उन दिनों माँ छोटी थी। माँ मेरे परिवार में 4th नंबर पर आती है। माँ से बड़ी उनकी 2 बहनें हैं और 1 बड़ा भाई। पर खैर, उस वक्त माँ 2 साल की थी। उन दिनों वो सब पुरानी टहरी पर रहते थे। उस वक्त टहरी दाम का काम चल रहा था। माँ की बुआ उस वक्त सुरकुंडा माता के मंदिर गई थी, लेकिन अफसोस की बात है, आते समय वो बस पहाड़ से नीचे गिर गई। बुआ की अकाल मृत्यु हो गई। वो ठीक मेरी माँ के घर वापस आ गई। उस वक्त मेरे नाना मुंबई में काम करते थे। नानी घास काटने के लिए जंगलों में गई थी। पहाड़ों पे लोग घास काटने के लिए बहुत दूर तक जाते हैं। उस वक्त घर पर माँ के दादा दादी नीचे फ्लोर पर थे। माँ और बहनें सब ऊपर वाले फ्लोर पर थे। दोपहर का समय था, सबके सब सो रहे थे। मेरी सबसे बड़ी मौसी, जो कि उस वक्त 9 साल की थी, मेरी मौसी को ऐसा लगा कि किसी का लंबा सा हाथ सभी बहनों के ऊपर रखा है। ये सब महसूस करके मौसी एकदम जोर से चिल्लाई। दादा दादी तुरंत ही ऊपर आ गए। मौसी ने ये सारी बात उनको बताई तो उनके दादा ने कहा, कोई बात नहीं, वो ठीक उनके साथ सो गए। दोस्तों, पहाड़ों में छलावे भूत बहुत आम सी बात है, और उस टाइम ऐसा बोलते थे कि भूत प्रेत दिन में इंसानों की बात सुनते थे। मेरे पास इसी से रिलेटेड एक कहानी है, पर वो मैं आपको किसी और दिन भेजूंगा। लेकिन इस कहानी पर वापस आता हूं।
शाम होते ही मौसी जब उठी तो ठीक मेरे दूसरे नंबर की मौसी को ऐसा लगा कि वो चल नहीं पा रही हैं। उस वक्त मौसी 5 साल की थी। सबके सब एकदम परेशान हो गए, लगा कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पर ऐसे ही देखते देखते दोस्तों 6 महीने हो गए। उस वक्त नाना जब घर पर आए तो वो भी बहुत परेशान हो गए कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। इसके 1 हफ्ते बाद नाना और मौसी घर पर अकेले थे। उस दिन भाई दूज था। मौसी ने मुझसे बाहर जाने को कहा और मैं चुपचाप बाहर चला गया। नाना ठीक कमरे के बाहर बैठे थे, उसी वक्त अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मौसी ने कहा कि मैं जा रही हूँ। मैं तुम सबसे नाराज़ थी कि तुमने अपने बच्चों को अकेला छोड़ा, आज के बाद ऐसा मत करना। इतना कहकर मौसी चुप हो गई। नाना चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। वो मन ही मन कहीं ना कहीं खुश भी थे कि उनकी बहन उनसे मिलने आई है। दोस्तों थोड़ी ही देर बाद मौसी, जो कि 6 महीने से चल नहीं रही थी, वो खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर की ओर आई। पर साथ ही आपको एक बात बता दूं कि आप यकीन मानो या ना मानो, पहाड़ों में ऐसे किस्से होते रहते हैं, लेकिन ना जाने आपको इस कहानी पे कितना दम लगेगा, नहीं बता सकता। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी गॉडसे की कहानी। मैं इनकी एक बात तो मानता हूं कि पहाड़ों में ऐसा होता रहता है, और जिस तरह इनकी बुआ इनके शरीर पर आई थी वो भी एक तरह का सच है। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त हो चुका है हमारे आज के आखिरी किस्से और कहानी का। बस ठीक, कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अविनेश त्रिवेदी है, मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का हूँ। ये बात तब की है जब मेरे पिताजी हाई स्कूल में थे। उनका स्कूल घर से काफ़ी दूर था। वो घर से साइकिल से स्कूल जाया करते थे, कई बार तो उन्हें बस से भी जाना पड़ता था। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन सुबह सुबह मौसम खराब था और वो स्कूल से लौटते वक्त काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। जैसे तैसे उन्हें बस मिली और वो वापस बस स्टैंड पर आ गए। वहाँ से उन्होंने अपनी साइकिल उठाई। वो अक्सर साइकिल को बस स्टैंड पर छोड़कर चले जाया करते थे। उन्होंने जैसे ही साइकिल उठाई तो देखा कि बारिश बहुत तेज है। वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन्हें वहाँ तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। शाम के तकरीबन 5:30 बज गए। काले बादलों की वजह से अंधेरा भी होने लगा था। इसके बाद उन्होंने बिना किसी चीज़ की परवाह करे साइकिल चलाना स्टार्ट किया। वो ठीक गांव के 3 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके थे। उनकी साइकिल की चैन अचानक से टूट गई। दोस्तों समय 7 बजे से ऊपर का हो चुका था और ऐसे में आधे रास्ते में साइकिल रिपेयर भी नहीं हो सकती थी। और तो और उनके पास फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि उन दिनों किसी के पास मोबाइल नहीं होता था। वो करते भी तो क्या। वो धीरे धीरे अपनी साइकिल को हाथ से चलाते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। समय अब रात के 8 बज चुके थे। पिताजी कच्ची रोड की तरफ से चल रहे थे। गांव के सभी बच्चे अक्सर उसी रोड से आया जाया करते थे। उन्हें बस एक ही डर लग रहा था कि रात के साथ साथ घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। चलते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उनके पीछे कोई आ रहा है, पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। वो लगातार आगे की ओर बढ़ते रहे। थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि वो जो कोई भी है वो बिल्कुल पास आ चुका है, तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा। पीछे एक आदमी था। उन्होंने उनसे कहा कि अरे चाचा कहाँ चल रहे हो, पर चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार को तो पिताजी को ऐसा लगा कि शायद कोई शराबी होगा, पर जैसे ही वो साइकिल को आगे बढ़ाते तो वैसे ही वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता। पिताजी जैसे ही रुकते तो वो भी वहीं रुक जाता। उस आदमी ने एक बार पीछे से कहा कि बेटा आराम कर लो, रोज़ मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम इधर से आते हो और यहीं से जाते हो। उसकी आवाज़ बड़ी ही अजीब थी। पिताजी के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। और दोस्तों कोई भी स्कूल का बच्चा हो वो अक्सर डर ही जाता है, क्योंकि उस वक्त उम्र ही क्या होती है, यही 14-15 साल। पिताजी डर के मारे धीरे धीरे चुपचाप चलते रहे। थोड़ी आगे जाने के बाद न जाने उनका क्यों मन हुआ कि एक बार पीछे देखा जाए, और ठीक जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो वो आदमी वहाँ नहीं था। मगर वो जैसे ही आगे की तरफ मुड़े तो वो आदमी ठीक उनके सामने था। वो बस अपना सर हिला रहा था। पिताजी ने तुरंत ही अपने लॉकेट पर हाथ रखा और हनुमान चालीसा कहने लगे। उसी बीच लालटेन लेते हुए दादाजी उस रास्ते पर आ रहे थे। वो आदमी धीरे से पिताजी के कान पर बोलकर चला गया कि तू आज तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। इसके बाद जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो दादाजी सामने थे।
घर जाकर उन्होंने ये बात सबको बताई। आखिर में हुआ वही, घर वालों ने उधर से जाने से मना कर दिया। अब वो रोड बाय रोड ही आते हैं। बाकी दोस्तों, ये थी मेरे पिताजी की कहानी। न जाने आपको कैसी लगेगी, ये तो मैं नहीं जानता, मगर ये एक सच्ची कहानी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है ये कहानियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और सच कहूँ तो आज की कहानियाँ थी भी अच्छी। बाकी दोस्तों, कुछ किस्से तो ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से मिलते रहते हैं, मगर आपको ये कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो यूँ ही मिलता रहूँगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।